हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इस रिजल्ट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया गया है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमर उजाला ने भी अपने अखबार में प्रकाशित किया है कि किस तरह से स्कूलों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए बहुत से बच्चों को ज़्यादा नंबर देकर पास किए हैं और ऐसे स्कूलों को सीबीएसई ने दोस्तों नोटिस भी भेजना शुरू कर दिया है। यानी जो स्कूल संज्ञान में आ चुके हैं उनका जो रिजल्ट है वो रोक भी दिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीबीएसई ने दो केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट भी रोक दिया, उनका रिजल्ट 5 अगस्त जारी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना जो स्टूडेंट 11वीं क्लास नहीं किए थे, 10th क्लास नहीं किए थे, उनका एडमिशन ले लिया गया और उस क्योंकि इस बार स्कूल को रिजल्ट तैयार करना था तो उन्होंने उसको एडमिशन दिया और अपने बेस पे पैसे के दाब उनको अच्छे नंबर से पास कर दिया बिना स्कूल में पढ़े हुए, बिना एडमिशन के। ये भी सीबीएसई के संज्ञान में आया दोस्तों। तो धीरे धीरे जो है फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से स्कूल और भी हैं सीबीएसई को उनको भी संज्ञान लेना चाहिए जिन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव किया है, बच्चों के साथ बार्गेनिंग की गई है। क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, वो बच्चों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं रिजल्ट बढ़ाने को लेकर। जिन बच्चों ने दिया उनका रिजल्ट तो अच्छा उन्होंने कर दिया होगा, प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें, और भी जिन बच्चों ने नहीं दिया उनका रिजल्ट का बहुत ही कम आ गया है। इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई से बच्चे बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्लियरिफाई चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, पैटर्न क्या होगा, क्या सीबीएसई उन सभी बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यदि वो री एग्ज़ाम देते हैं तो री एग्ज़ाम पास करने बाद अच्छे नंबर से यदि वो एडमिशन लेना चाहे तो क्या वो एडमिशन उनके लिए अवेलेबल रहेगा, क्या उनकी सीटें रिजर्व रहेंगी। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों सभी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो तो तीसरी और चौथी कट ऑफ में फुल हो जाती हैं। तो क्या सीबीएसई बच्चों से ये वादा करे कि यदि आप जितना आप चाहते हैं उससे अच्छे नंबर अगर आप लाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद तो हम आपके लिए सीट रिजर्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर एग्ज़ाम होता तो बच्चों को माना कि हम इससे अच्छे नंबर ला सकते थे, क्योंकि सभी के सपना होता है क्लास 12th के बाद कॉलेज में पढ़ना। क्योंकि दोस्तों पूरे 12 साल की मेहनत होती है और जिसके लिए हम पूरा 12 साल मेहनत करें वो एक किसी गलती की वजह से मेहनत ख़राब हो जाए तो ये बिल्कुल भी दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सीबीएसई को खुद संज्ञान लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज जी डॉक्टर, उनको भी इस पर खुद जाकर संज्ञान लेना चाहिए। और टीचर और पेरेंट्स से जिस प्रकार आप बात कर सकते हैं जैसे आपने बात की होगी, तो सीबीएसई से यही कहना चाहता हूँ उन सभी बच्चों के जिनके नंबर अनफेयर तरीके से बनाए गए हैं, आप उनसे संवाद कायम कीजिए, किसी भी तरीके से उनसे बात कीजिए ताकि, या आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि बच्चों की सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि दोस्तों बच्चे आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत बच्चे उदास हैं क्योंकि उन्हें लगता है यदि एग्ज़ाम होता तो वो इससे अच्छे मार्क्स में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ने क्लास 10th और 11th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए थे बट एज कंपेरिजन क्लास 11th और 12th उनका मार्क्स क्लास 12th में बहुत ही कम दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं सीबीएसई को वो सभी चीज़ें क्लियर कर देने चाहिए, एडमिशन से रिगार्डेड, पेपर से रिगार्डेड, ठीक है, और भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या पेपर स्कूल में होंगे, सेंटर पड़ेगा या ऑफलाइन माध्यम से होंगे या ऑनलाइन माध्यम से होंगे, सारी जो चीज़ें हैं ये सीबीएसई को क्लियरिफाई कर देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने एक चीज़ पर फोकस कर सके। क्योंकि बच्चे बहुत पहले से परेशान थे और अधिक परेशान हो चुके हैं इस रिजल्ट के बाद। दोस्तों एक चीज़ और मैं पर्सनली आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर हम एक ट्विटर ट्रेंड चला सकते हैं तो ट्विटर ट्रेंड चलाने के लिए आप सभी की मदद की दरकार है। ट्विटर ट्रेंड कैसे चलाएं, क्या टॉपिक रखें जिससे हमारी बात जो है सीबीएसई तक पहुंचे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में दोस्तों यस लिख के जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।